युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व राजचंद्र ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के स्मृति में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बलरामपुर सभागार में व्याख्यान माला के समापन में हम और हमारी संस्था विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने कहा कि संस्था से हमारी सामाजिक पहचान बनती है। हमारे जीवन में संस्था प्राथमिकता में होनी चाहिए। घर और संस्था में समन्वय बनाकर हमें अपने कार्य का संपादन करना है। इनमें किसी एक के प्रति हमारी उदासीनता से हमारा कार्य प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का प्रबंधन अद्वितीय है। इस प्रबंधन ने लोक कल्याणार्थ संस्थाओं को स्थापित किया है जिनका उद्देश्य व्यक्ति निर्माण है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें परिषद की संस्थाओं में शिक्षकीय जैसा ईश्वरीय कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा हम अपने कमियों को पहचाने, उन्हें दूर करने का प्रयास करें, अच्छाइयों को साझा करें और अपने संस्थापकों के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य संपादित करें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। लौकिक जीवन में हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसे शांति और आनंद प्राप्त हो, पर ना चाहते हुए भी वह अनेक समस्याओं में उलझा रहता है। अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सकारात्मक होने पर उसे कार्य बोझिल नहीं लगेगा और वह उसी में शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकेगा। सामूहिकता और अनामिकता से कठिन कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य नर्मदेश्वर शाहिद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा जैसी राष्ट्रीय पत्रिकाओं के
जैसा कि बताया गया था कल कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की विभिन्न संस्थाएं पूज्य द्वय महाराज महंत दिग्विजयानंद जी महाराज एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज के पावन स्मृति में व्याख्यानमाला का आयोजन कर रही हैं। उसी व्याख्यानमाला के तहत महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज द्वारा बलरामपुर सभागार में आज द्वितीय दिवस जिसका विषय है हम और हमारी संस्थाएँ पर व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। आज के मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रदीप राव जी प्रधानाचार्य जंगल दूसरा डिग्री कॉलेज एवं रजिस्ट्रार गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय बालापाड़ सोनवर्षा से पधारे हुए हैं, जिसका आयोजन आज सभागार में हो रहा है। धन्यवाद।